हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है बहुपद। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां दोनों सम्मिलित होती हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक बच्चों जिसमें चर और अचर दोनों राशियां सम्मिलित होती हैं, सम्मिलित होकर जिस व्यंजक का निर्माण करती हैं उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक या बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चों समझ लेंगे कि हमारी चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं बच्चों। तो हमारी चर राशियां होती हैं, चर का मतलब होता है ऐसी राशियां बच्चों जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि हमारा x, जैसे कि हम देखते हैं हमारे क्वेश्चनों में x आता है तो हम देखते हैं कहीं पर x की वैल्यू 2 होती है तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू -4 होती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0, अलग अलग क्वेश्चनों में x की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं x हमारा जो है वो चर राशि है, अर्थात ऐसी राशियाँ बच्चों जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे ABCD PQRS और हमारे Z इत्यादि, ये सभी राशियाँ हमारी क्या है, चर राशियाँ हैं। अब बच्चों समझ लेते हैं कि हमारी अचर राशियाँ क्या होती हैं। अचर राशियां क्या होती हैं बच्चों, अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान कभी भी नहीं बदलता। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चों वे सभी हमारी अचर संख्याएं हैं। ये अचर राशियां जैसे हमारा 4 है, 6 है, 1 है, 2 है बच्चों, डॉट डॉट, क्योंकि 6 का मान जिस क्वेश्चन में 6 ही रहेगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन में हम रखें हमेशा 6 ही रहता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी राशियां जिनका मान किसी क्वेश्चन में ना बदले वे अचर राशियां कहलाती हैं, और जिनके मानों में परिवर्तन हो जाया करता है बच्चों वे चर राशियां कहलाती। तो हमें पता चला कि बच्चों हमारे पॉलिनोमियल बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां दोनों सम्मिलित होती हैं, दोनों मिली होती है, वे हमारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा एग्जांपल दिया गया है, जैसे 3x² - 6x + 10, ये हमारा एक क्या है, बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3, 6 और 10 हमारा क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, और अचर राशियां हैं। उसी प्रकार x² और x हमारा क्या है, चर राशि है। तो इनको सम्मिलित करके एक बहुपद बना हुआ है, यही हमारा बहुपद है। उसी प्रकार 9x² + √7x - √3 भी हमारा एक पॉलिनोमियल है बच्चों। और आगे हम देखते हैं कि 3/4x² - 5/4x³ + 2x - 5 आदि हमारे ये सभी क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है, बहुपद हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे पॉलिनोमियल बहुपद क्या होते हैं। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं कि हमारे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होती है, यानी कि बहुपद की घात। बहुपद की घात बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी जो हाइएस्ट पावर होती है, कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों उसकी जो सबसे अधिक घात होती है वही जो घात हमारी क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। हम लिख सकते हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात जो डिग्री होती है वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ था 3x² - 6x + 10, तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। यहाँ पर घात 1 होगी लेकिन अधिक क्या है, 2 है। तो हमारी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हुई बच्चों, 2 हुई। उसी प्रकार इसमें देखते हैं तो इसमें भी सबसे अधिक पावर हमारी बच्चों क्या है, 2 है, तो इसकी भी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई, 2 हुई। यहाँ पर देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो हमने देखा यहाँ पर 3 है, तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि हम जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाइएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के प्रकार बच्चों। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है हमारा लाइनर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और थर्ड होता है क्यूब पॉलिनोमियल, और 4 होता है बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा लाइनर पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों। लाइनर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है रैखिक बहुपद, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात केवल 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी घात केवल 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लाइनर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है हमारा
3x plus 5, यहाँ पर देखो x की पावर बच्चों क्या है, एक है, तो इसलिए हमारा लाइनर पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे ही एक दूसरा हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है अंडर रूट 7y-1, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए यहाँ पर y की पावर 1 है, इसलिए हमारा अंडर रूट 7y-1 भी एक क्या है, लाइनर पॉलिनोमियल है। आइए बच्चों आप समझ लेते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि हमारा 5x² + 3x, तो यहाँ पर देखा हमने ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है बच्चों, इसलिए हमारा जो 5x² + 3x जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं बच्चों। उसी प्रकार एक सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है 2y² + 6y - 9 बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होगा बच्चों। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट हमारा दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब है बच्चों ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कैसे कहते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 8x³, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, तो इसलिए हमारा 8x³ जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें दिया गया है 9x³ + 5x², तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हमारा फोर टाइप क्या दिया गया है। फोर टाइप होता है बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, यानी के चतुर्थ घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात, इसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी होगी, 4 होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि x की पावर 4 - 7x³ + 3, तो हमने देखा यहाँ पर हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 4 है, तो हमें पता चला हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा बच्चों। आगे देख लेते हैं अब कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इन्हें हिंदी में कह सकते हैं बच्चों शून्यांक, किसी भी बहुपद के शून्यांक। तो शून्यांक क्या होते हैं बच्चों, जिस भी चर राशि से हमारा पॉलिनोमियल बना हुआ है, जैसे x का पॉलिनोमियल है, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी निकल के, जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो आंसर हमारा 0 आए, तो वो x की वैल्यू हमारी उसकी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल अर्थात उसका शून्यांक कहलाएगी बच्चों। ऐसी अगर y का पॉलिनोमियल है तो y की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाए। या हमारा जेड में पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जेड की वो वैल्यू बच्चों जो उस पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें तो हमारा आंसर 0 आ जाए, तो वो सभी वैल्यूएं हमारी क्या कहलाएंगी बच्चों, जीरो सॉफ्ट पॉलिनोमियल कहलाएंगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे दिया है px = 3x + 5 के बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जीरोस निकालने के लिए करते क्या है बच्चों, सबसे पहले जीरो इक्वल में मान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 3x + 5 को इक्वल मान लिया हमने जीरो के बच्चों, तो क्या होगा 3x + 5, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 5 जो है उस तरफ जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x के इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस के 5 के। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 मल्टीप्लाई में है, उस और किस में जाएगा बच्चों, अपॉन में, तो क्या हो जाएगा x = -5/3 हो जाएगा बच्चों। तो हमने देखा जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था 3x + 5, अब बताओ बच्चों ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा बच्चों, हाँ बच्चों ये पॉलिनोमियल होगा लाइनर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों क्या है इसकी हमारे पास, -5/3। अब ये वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, अगर आंसर 0 आता है तो हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, शून्यांक -5/3 होगा। तो अब 3x + 5 में जो x की वैल्यू आई है -5/3 बच्चों, वो पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू हमने पुट कर दी -5/3 + 5, और यहाँ पर देखा कि हमारा 3 से 3 क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5 और +5, और हम जानते हैं +5 में से -5 क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो हमने देखा जब x की वैल्यू हमने इसी पॉलिनोमियल में
पुट करी तो आंसर क्या आया बच्चों, जीरो। तो हम कह सकते हैं जो हमारा लाइनर पॉलिनोमियल दिया हुआ था 3x + 5, उसका जीरोस क्या हुआ, उसका जीरोस हुआ x = -5/3 बच्चों। आइए बच्चों अब इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना और उसको अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चों, ये इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टरों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं वो हमारे फार्मूले क्या हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि वे हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप का मतलब है संबंध किनके बीच में, जीरो शून्यांक, एंड कोफिशिएंट का मतलब है बच्चों गुणांक और किसके पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं गुणांक और शून्यांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए यानी कि द्विघात बहुपद के लिए, जो कि हमारा होता है ax² + bx + c होता है बच्चों। तो समझ लेते हैं कि अगर हमें शून्यांकों का योग निकालना है तो बच्चों हम मान लेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है उसके शून्यांक क्या होंगे, α + β होंगे बच्चों। तो यदि शून्यांकों का योग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा बच्चों, α + β बराबर हो जाएगा -b/a, जिसको हम कह सकते हैं -x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक बच्चों। उसी प्रकार अगर हमें क्या निकालना है, दोनों शून्यांकों का गुणनफल निकालना है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं α × β बराबर हो जाएगा बच्चों c/a, जहां पर c का क्या मतलब है बच्चों, अचर पद, और a का मतलब क्या है, x² का गुणांक बच्चों a। तो ये हमारे दोनों क्वाड्रिक फार्मूले हो जाएंगे, ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए। अब देख लेते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूले क्या होते हैं। तो त्रिघात बहुपद जो होता है बच्चों वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ax³ + bx² + cx + d के रूप में होता है। तो यदि हमें यहाँ पर निकालना है शून्यांकों का योग सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि हमारी घात यहाँ पर 3 होती है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 3 शून्यांक हमारे आते हैं, इसलिए यहाँ पर मान लेंगे हमारे कोई 3 शून्यांक जो है α, β और γ है बच्चों। तब हमें योग निकालना है शून्यांकों का तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा α + β + γ बराबर -b/a, अर्थात हम कह सकते हैं -x² का गुणांक अपॉन हो जाएगा x³ का गुणांक हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार अगर हमें क्या निकालना है, α β + β γ और γ * α की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा c/a हो जाएगा, जहां c हमारा क्या है बच्चों, x का गुणांक है और a हमारा क्या है, x³ का गुणांक है बच्चों। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, तो α × β और γ बराबर हो जाएगा -d/a, जहां पर d हमारा क्या है बच्चों, अचर पद, और a हमारा क्या है, x³ का गुणांक है। तो हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कौन से फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, और हम और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए कौन से फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं। अब देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले, यानी कि हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसामिकाओं के बारे में बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बच्चों, इनको आप लर्न कर लेना बहुत ध्यान से और अपनी कॉपी में अभी ही राइट डाउन कर लेना बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab के बच्चों, और अगर हमारा a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई चीज़ दी हुई है तब हम उसे क्या लिख सकते हैं, a² + b² - 2ab लिख सकते हैं बच्चों। और इसी प्रकार अगर कोई हमारी जो पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है a + b के होल क्यू के फॉर्म में, तो बच्चों उसे क्या लिख सकते हो, उसे लिख सकते हो a³ + b³ + 3ab और a + b लिख सकते हो बच्चों। आगे देखते हैं a - b का होल क्यू हमारा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है aq - bq - 3ab और a - b होता है बच्चों। आगे हमारा a² - b² का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + b और a - b एक बार सम कर देते हैं और एक बार डिफरेंस लिख देते हैं इंटू में बच्चों। अब देखते हैं हमारा कि aq और + bq का फार्मूला क्या होता है, इसकी हमारी जो है फार्मूला क्या है बच्चों, तो होता है a + b और इंटू लिख सकते हैं a² + b² - ab लिख सकते हैं बच्चों। जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो ab होगा वो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है बच्चों में। अब देख लेते हैं aq - bq का क्या होता है, तो aq - bq का फार्मूला होता है a - b और इंटू ब्रेकेट में लिख सकते हैं बच्चों a² + b² + ab, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा बच्चों।
अब देख लेते हैं हमारा एक और फार्मूला दिया गया है, ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हमारे तीन कोई टर्म दिए हुए हैं जिनका होल स्क्वायर हमें निकालना है बच्चों। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू और इनटू लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका अर्थ होता है टू ए बी या टू बी सी प्लस टू सी ए। आइए बच्चों देख लेते हैं अब ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और माइनस थ्री ए बी सी का फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी और इनटू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनटू लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो बच्चों ये फार्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना बच्चों। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में बच्चों एक ही क्वेश्चन है जो कि हमारा दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए कोई हमारा बहुपद जो है पॉलिनोमियल बच्चों दिया गया है px, जहां पर y किसके इक्वल है बच्चों, ps के इक्वल है। तो हमें नीचे एक ग्राफ दिया गया है आकृति में, जो हमारी ये 6 आकृतियां बनी हुई है बच्चों, यहां पर ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि px के शून्य अंकों की संख्या कितनी है, यानी कि px के जो जीरोस आएंगे वो कितने होंगे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ में शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो जब भी हमारा ग्राफ की जो ये लाइन होती है, ये वाली जो बच्चों लाइन होती है, ये x एक्सिस को, x अक्ष को, इस वाले अक्ष को, x x डैश को जितनी जगहों पर काटती है वही उसके शून्यांक कहलाते हैं बच्चों। फिर एक बार समझ लेते हैं कि ग्राफ में जो हमारी एक रेखा होती है वो रेखा x अक्ष को जितने भागों को काटती है, x अक्ष के x x डैश के जितने भागों को काटती है वो बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, उसके शून्यांकों की संख्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ की जो रेखा है ये जो इस ग्राफ की रेखा है वो x x डैश x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है बच्चों। जैसा कि हमारी ये रेखा जो है ग्राफ की वो x x डैश अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, अर्थात हमारे शून्य अंकों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी शून्य अंकों की संख्या। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ की रेखा हमारे x x डैश अक्ष को कहीं भी नहीं विभाजित कर रही है, इसलिए शून्य अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों, जीरो शून्य अंक हो जाएंगे यहां पर। अब देख लेते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में हमारी जो ग्राफ की रेखा दी हुई है इस तरीके से बच्चों, हमने देखा वो x x डैश जो हमारा x अक्ष है उसको कितने बिंदुओं पर विभाजित करती है बच्चों, केवल एक बिंदु पर विभाजित करती है। जैसा कि हमें y से मतलब नहीं है y पर वो कितनी जगहों पर काटती है, बल्कि हमें देखना है कि वो x अक्ष पर कितनी जगहों पर काटती है। तो यहाँ पर एक जगह काटती है बच्चों, यहाँ पर एक जगह काटती है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों एक हो जाएगी यहाँ पर। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखा हमने जो हमारी रेखा है वो एक्स अक्ष, इस एक्स एक्स डैश को कितने बिंदुओं पर काट रही है बच्चों, एक दो, यहाँ पर एक बच्चों, और ये दो और ये तीन बिंदुओं पर। बाई वालों को बच्चों हमें नहीं देखना है, केवल एक्स वालों ही पर देखना है। तो यहाँ पर ये रेखा जो है वो हमारे एक्स एक्सिस को तीन बिंदुओं पर विभाजित करती है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि हमारे शून्यांक बच्चों कितने हो जाएंगे, इसके तीन हो जाएंगे। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे, तीन। क्यों, क्योंकि हमारी जो ग्राफ की रेखा है वो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर विभाजित करती है। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमारा जो ग्राफ की रेखा दी गई है वो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर विभाजित करती है, यहाँ पर एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर विभाजित करती है बच्चों। तो हमारे शून्यांक कितने हो जाएंगे बच्चों, तो बच्चों शून्यांक हो जाएंगे दो, कितने हो जाएंगे शून्यांक दो। उसी प्रकार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की, यहाँ पर हमारा x अक्ष जो है x x डैश, वहाँ पर हमारी जो ग्राफ की रेखा है वो कितने बिंदुओं पर विभाजित करती है, y पर नहीं देखना है बच्चों, किस पर देखना है, x अक्ष पर, तो एक दो और तीन और चार, इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये तो y पर विभाजित कर रही है। तो हमने देखा कि हमारे शून्यांक कितने हुए, एक दो तीन और चार बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे शून्यांक कितने हुए बच्चों, चार हो जाएंगे। उसी प्रकार देख सकते हैं हम सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट में हमारा दिया गया है कि हमारी जो ग्राफ की रेखा है वो इस प्रकार बनी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम जो रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर विभाजित करती है, तो एक और दो और तीन बिंदुओं पर विभाजित करती है, अर्थात हमारे इस सवाल के जो शून्यांक होंगे बच्चों कितने होंगे,
तीन शून्यांक कितने होंगे बच्चों, तीन होंगे। तो हमें पता चला, यही हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी, कि जब भी हमें किसी भी ग्राफ में शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो जो ग्राफ की रेखा होती है वो एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर विभाजित करती है वही उस क्वेश्चन के शून्यांक कहलाते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो जाती है बच्चों। इसकी अच्छी तरह रिवीजन करना, और आने वाली वीडियो के लिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और धन्यवाद।